आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कंप्लीट जो है करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C आर से अग्रवाल क्लास 9th के बुक से। और ये हमारा वन शॉट वीडियो है। और मैं आपको बता दूँ कि इंडिविजुअल भी हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डाला हुआ है, और ये सारे के सारे आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ मिल जाएंगे, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से भी वो जो है हर एक एक्सरसाइज का मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि हर एक एक्सरसाइज वो कंप्लीट है, अब चाहो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से मिल जाएंगे। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल जैसे मैंने एग्जांपल करा था उसी के जैसा है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बाय एक्चुअल डिवीजन, यानी कि हमें डिवाइड करना है, एक्चुअल डिवीजन के बारे में बोला है। फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 4+1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो जब क्या बोल रहा है कि ये जो एक्स टू द पावर 4+1 है ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस 1 से। जब ये डिवाइड हो रहा है तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया है, पहला पार्ट क्वेश्चन का इतने का। सेकेंड पार्ट में कहा गया कि वेरीफाई दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू f1। जो f1 होगा हमारा, यानी कि इसके जगह पर जो हमारा p ऑफ x है, इसके जगह पर हम लोग f1 पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा रिमाइंडर आएगा अगर हम लोग f1 पुट करते हैं इस जगह पर। आइए तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कोई एक पॉलीनोमियल मान लेते हैं, इसको भी कोई एक पॉलीनोमियल मान लेते हैं, और उसको फिर डिवाइड करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन देखो सोल्यूशन, तो अपन लेट कर लेते हैं कि लेट क्या मान लें, f मान लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू, उसको मैंने मान लिया fx x टू द पावर 4 माइनस 1+1 है तो +1, ठीक है। इसको मैंने मान लिया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4+1, एंड इसको मैं जी ऑफ एक्स माना था, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखो डिवाइड जब करेंगे अपन, तो इससे कर रहे हैं जी ऑफ एक्स से इसको, क्योंकि बोला गया कि इससे डिवाइड करना है इसको, तो जी ऑफ एक्स से जो है हम लोग एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड करते हैं। आई हमें कहा गया था कि बाय एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। चलिए तो डिवाइड करते हैं, नाउ नाउ तो डिवाइड करेंगे मेरे भाई, ये हो गया हमारा एक्स माइनस 1, इससे डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक्स टू द पावर 4+1 को। याद करो जब मैंने डिवाइड सिखाया था आपको, तो मैंने कहा था कि हमारा मेन टारगेट होना चाहिए ये जो एक्स टू द पावर 4 है, इसको ख़त्म करना, बाकी क्या है उससे हमको कोई लेना नहीं है, मगर इसको ख़त्म करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स टू द पावर जो एक्स है, एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, तो अब एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, तो भैया हमको एक्स टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ना, एक्स टू द पावर 3 और गुना एक्स, तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा। तो यही हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया इसको कितना से गुना करेंगे अपन कि इतना आ जाए, तो एक्स ऑलरेडी है और एक्स टू पावर 3 से गुना करेंगे तो एक्स टू पावर 4 आ जाएगा हमारा। तो चलिए, तो ये टर्म इससे भी गुना होगा और ये टर्म इससे भी गुना होगा, तो जब ये टर्म इससे गुना हुआ तो ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर 4, और जब ये टर्म इससे गुना होगा तो माइनस एक्स टू द पावर 3 आ गया, ठीक है। चलिए हो गया 3, अब क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे, एक्स टू द पावर 4 भी यहाँ पे, ये प्लस में माइनस में खत्म हो गया। अब यहाँ जो बचा हमारा, ये एक्स टू द पावर 3 बचा हमारा, अब +1 है तो +1 बचा है। अब फिर से जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए वो एक्स टू द पावर 3 को ख़त्म करना पड़ेगा किसी भी हाल में। देखो एक्स टू द पावर 3 नहीं था, मगर एक्स टू द पावर 3 आ गया, ऐसा क्यों आया कि जब इसको हम लोगों ने इससे गुना किया ना, तो एक्स टू द पावर 3 आ गया। अब ये ऊपर मैक्सिमम पावर और +1 है, तो हमको इसको ख़त्म करना है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 3 है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 है, तो यानी कितना हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ प्लस ही क्यों लिए, क्योंकि ये साइन प्लस में है, ये प्लस में इसलिए प्लस लिया, अगर ये माइनस में होता तब इसके हमको यहाँ पे माइनस में लेना पड़ता, तब जाके हमको सेम सेम लाना है, एकदम डिट्टो सेम लाना है। तो देखो इसको जब इससे गुना करेंगे तो एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर से साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो अब जो आया है हमारा वो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर और +1 जो ऊपर वाला था वो फिर से नीचे आ गया। अब फिर से जो मेन टारगेट हमारा होगा वो एक्स स्क्वायर को जो है हमें खत्म करना है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब तो खचाक से आप लोग भी बोल दोगे कि भैया सर एक्स से मल्टीप्लाई करो आप, चलो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। चलिए तो अगेन फिर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस,
तो ये जो है ना हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या हमारा x और यहाँ हो गया प्लस वन। चलिए यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस वन है। अब हमको पहला ढमा टारगेट ये कि एक्स से एक्स खत्म हो जाए, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो कितना से गुना करेंगे भैया, वन से गुना करेंगे। तो प्लस वन से गुना किया अपन ने, तो यहाँ आ गया हमारा एक्स और ये वन से गुना हुआ तो माइनस वन हो गया। चलिए अब अगेन जब साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा एक्स वाला टर्म, तो प्लस वन एंड यहाँ भी प्लस वन, तो ये आ गया टू। रिमाइंडर भैया कितना आ गया आपका, रिमाइंडर टू आ गया। तो हमें यही कहा गया था क्वेश्चन में कि फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, तो क्वेश्चन हमारा ये आ गया एंड रिमाइंडर टू आ गया। तो लिख दो कि हैंस हैंस क्वेश्चन क्वेश्चन इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो गया भाई, रिमाइंडर आ गया आपका टू, तो रिमाइंडर हो गया हमारा टू। तो यही दोनों बात कहा गया था और हम लोग निकालने के लिए कहा गया था, जो कि निकाल दिया। अब देखो सेकेंड पार्ट जो कह रहा है, बोला वेरीफाइड दैट द रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन जो होगा हमारा वो रिमाइंडर होगा, ये हमको दिखाना है। यानी कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इतना दिया है, इसके जगह पर एफ ऑफ वन पुट करेंगे तो इससे हमारा रिमाइंडर आएगा, ही वेरीफाई करना है। अच्छा इसको जो है वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, अगर इसको वेरीफाई करने के लिए बोलता तो हमको क्या करना पड़ता कि कोशेंट इन टू डिविजर अब प्लस रिमाइंडर करेंगे तो इतना के बराबर आएगा, बस में आ रही ना। तो जब इसको अगर आपको वेरीफाई करने के लिए कहता तो इसको इससे गुना करके इससे जोड़ना पड़ता हमें, जो कि हम मैंने आपको एग्जांपल्स में करके दिखाया है, अगर डाउट है तो आप वहाँ जाके देख लेना एग्जांपल के स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में, ठीक है ना, इसी एक्सरसाइज का। आइए अब आगे चलते हैं। तो भैया यहाँ कितना हो गया भाई मेरे, यहाँ हो गया हमारा, अब हमको निकालना है एफ ऑफ वन, निकाल करके देखना कि रिमाइंडर इतना ही आता है क्या। तो एफ ऑफ एक्स हमें जो दिया गया है ना एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, जिसको हम लोगों ने माना था वो कितना था हमारा x टू द पावर 4 प्लस 1। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां वहां 1 डालेंगे, तो 1 का पावर 4 अब प्लस 1, तो भैया 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2, तो देखो तो 2 आ गया, यही तो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर 2 है, यहां भी रिमाइंडर 2 है ना। तो हैंस है ना वेरीफाइड, हमें बोला था वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाइड हो गया, hence verified, ये हमारा verified हो गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, मैं साइड आ जाता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए यही था हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो कि हम लोगों ने कर लिया है। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या कर रहा है, वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलीनोमियल्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे इतना दिया गया है, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे दिया गया है एक्स प्लस टू। तो हमें क्या करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए आइए अब जो है इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो वेरीफाई करने के लिए कहा गया डिवीजन एल्गोरिथम को, तो डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, मगर उससे पहले हमको तो उसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो क्या कह रहा है भैया हमको जो है उसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि एक्स प्लस टू ये हो गया हमारा, एंड जिससे डिवाइड करना है वो है हमारा टू एक्स पे पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब एंड देन माइनस प्लस है प्लस टू एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स प्लस टू, यही है हमारा। आइए अब जो है हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। मैंने ये पहले भी कहा था आपको कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जो आपका एक्स टू द पावर जो फोर है, जो मैक्सिमम पावर वाला, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो एक्स है यहाँ पर टू ही है, तो इसको हमको यहाँ पर टू लाने के लिए हमको टू से गुना करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर x पे पावर 4 है और यहाँ पर सिर्फ x पे पावर 1 है, ठीक है ना, तो x पे पावर 3 से गुना करना पड़ेगा मुझे, तो हमारा x पे पावर 3 इंटू एक्स करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा हमारा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x पे पावर 4। अब इसको जब इससे गुना करोगे तो 2 टू जा 4, तो प्लस 4 एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। साइन चेंज होता है तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में और ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 6 और 4 10, तो माइनस 10 हो जाएगा माइनस 10 एक्स क्यूब हो गया हमारा, बस में आ रही है क्योंकि ये भी माइनस में था ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस काम करेंगे, प्लस का तो काम कर दिया प्लस का अपन ने। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, हमको इनको उतार दो नीचे, यानी कि प्लस 2 एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको उतार दिया। अब फिर से जो टारगेट हमारा होना चाहिए वो इसको ख़त्म करना है, यहाँ पर देखो माइनस 10 है
और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे वन है हमारा, तो माइनस टेन लाने के लिए हमको माइनस टेन से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स पे पावर वन है, यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा इतना आ जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस टेन एक्स क्यूब, और फिर जब इसको इससे गुना करोगे तो प्लस माइनस 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 टेन टू से ट्वेंटी, तो ट्वेंटी और ये क्या हो जाएगा हमारा भाई मेरे कि ट्वेंटी, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर। चलिए फिर से साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो साइन चेंज करो, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में, तो ये वाला टर्म जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो गया। अब बीस और प्लस दो बाईस हो जाएगा, यानी कि ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अब इसको फिर से जो ये टर्म हमारा जो रेस्ट बच गया उसको उतार दो, माइनस एक्स और प्लस टू है उसको उतार दिया। फिर से अब क्या करेंगे मेरे भाई, या सोचो कि हमको लाना है ट्वेंटी टू और यहाँ पर है हमारा वन, तो ट्वेंटी टू से गुना कर दो, और यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स, तो एक एक्स से और गुना कर दूँ, तो जब इसको इससे गुना किया तो आ जाएगा आपको ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो ट्वेंटी टू टू ज़ा फोर्टी, फोर्टी टू फोर्टी फोर हो जाएगा ना, तो माइनस नहीं प्लस, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस फोर्टी फोर एक्स हो जाएगा हमारा। आइए फिर से साइन चेंज हो जाएगा हमारा, तो साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये भी है हमारा माइनस में, ये भी है हमारा माइनस में, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा 44 और वहाँ पे 1, तो यानी कि 45x हो गया, ये माइनस में हो गया हमारा, प्लस 2 है तो प्लस 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब जो है हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि इसको 45 को ख़त्म करना है, ये x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो हमको सिर्फ 45 लाना है, तो माइनस 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 45x, और फिर जब ये इससे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो चलिए, तो माइनस में आ गया हमारा रिजल्ट माइनस, और 45 टू जा 90, ये आ गया 90। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो जो रिमाइंडर आया हमारा वो 92 आ गया, 90 प्लस टू 92, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ तक तो हो गया क्लियर हमारा, ये हो गया रीजन, तो ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, क्वेश्चन भी आ गया हमारा, रिमाइंडर भी आ गया। अब जो है हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आया हमारा, वो आया है 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x और माइनस 45, ये हमारा क्वेश्चन आया। एंड रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आ गया हमारा 92। तो आइए अब हम लोग जो इसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो हम लोगों ने बनाया है ये सही है नहीं। तो आइए, तो बाय यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, चल कर हमारे पास, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं भाई मेरे कि पी ऑफ एक्स जो होता है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा कि कोशेंट यानी कि क्यू ऑफ एक्स इंटू डिविजर, डिविजर हमारा बोले तो ये है जी ऑफ एक्स, तो इंटू जी ऑफ एक्स, अब प्लस हो जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा यहाँ है यानी कि प्लस आर ऑफ एक्स, इसके बराबर आएगा हमारा पी ऑफ एक्स का वैल्यू। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन हमारा है 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45। चलिए ये हो गया हमारा क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है भैया, तो ये है हमारा एक्स प्लस 2, एंड आर ऑफ एक्स कितना है हमारा, प्लस आर ऑफ एक्स है हमारा 92, तो ये हो गया हमारा 92। इसको सॉल्व करते हैं, तो तोड़ो उसको, एक्स से इसको गुना करेंगे तो 2x पे पावर, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स पे पावर 3, तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 10x क्यूब हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर एक्स को इससे गुना करेंगे तो प्लस 22x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब इस एक्स को इससे गुना करेंगे तो माइनस 45x हो जाएगा, फिर इसके जो 2 से इसको गुना करो तो 2 जा 4, तो 4x पे पावर 3, फिर 2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस 10 to the 20, तो 20x स्क्वायर, ठीक है, फिर इस 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 इंटू 22 यानी कि 44, तो प्लस 44x, फिर इस 2 को इससे गुना करो तो 2 5 to the 92 ना, तो माइनस 90 हो जाएगा, 45 to the 90, तो 90, और बाहर में 92 है प्लस में, तो प्लस 92। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, देखते हैं, तो 2x पे पावर 4 तो एक लौता है, इसको रहने दो। अच्छा अब यहाँ देखिए, x क्यूब वाला टर्म एक हमारा यहाँ है और x क्यूब वाला टर्म एक हमारा यहाँ है, ये प्लस में है ये माइनस में है,
ये बड़ा है तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो 6x³ आ गया माइनस में, ठीक। और उसके बाद ये हो गया हमारा x³ वाला टर्म, मतलब अब x² वाला टर्म, x² वाला टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब रिजल्ट तो हमारा प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 22 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 2x², ठीक। आई अब स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया हमारा, एक्स वाला टर्म देखो, एक्स वाला टर्म हमारा एक 45 यहाँ माइनस में, एक 44 यहाँ प्लस में, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा और 45 में से 44 जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स। चलिए अब यहाँ देखो, ये 90 हमारा माइनस में, 92 प्लस में, तो रिजल्ट आएगा प्लस में, 92 में से 90 जाएगा तो बचेगा 2। तो इतना ही हमारा पी ऑफ एक्स है क्या, तो पी ऑफ एक्स देखो तो 2x⁴ माइनस 6x³ माइनस 6x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 2, बिल्कुल इतना ही है आ चुका हमारा, तो हैंस वेरीफाइड, तो ये हमारा जो है वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो यही कह रहा था आपको इसके इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखो मैं साथ हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, है ना, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, रिवीजन कर दिया कर, बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक ये हमारा सेम है, हर एक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, एक ही तरह से हमको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे क्वेश्चंस, हर एक एग्जांपल और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा और एंड स्क्रीन पे भी मैं एंड स्क्रीन डाल दूंगा। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही तरीके से जो है बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो बोल रहा है कि जब पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से डिवाइड होगा तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया कि रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के करके निकालना है। तो देखो, तो अगर हम देखें जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमको एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालोगे तो जी ऑफ एक्स आपको जीरो लेना पड़ेगा, तो ये जीरो लिया, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब इस माइनस वन को इधर भेज दो तो प्लस वन आएगा, तो यानी कि यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वन आ गया हमारा। चलिए अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या आते हैं, यहाँ लिख दो कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, एक्स माइनस वन, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, देन तब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देन जो एक्स का मान आया, एक्स का मान कितना है वन, तो देन पी ऑफ वन विल बी द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। बस इसी को हमको सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, क्या इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि पी ऑफ एक्स हमें जो गिवन है, तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ एक्स कितना गिवन है, वो गिवन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर ना हमें निकालना है पी ऑफ वन, तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर हमें वन डालना है, यहाँ एक्स की जगह पर वन है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वन डालो, तो वन का क्यूब माइनस 6x की जगह पर फिर वन डालेंगे, तो वन का स्क्वायर प्लस 9x की जगह पर फिर वन डालेंगे तो इंटू वन प्लस 3। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, वन का क्यूब वन ही होता है, तो ये हो गया हमारा वन माइनस 6 वन जाए, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो 6 वन जाए 6 तो ये 6, 9 वन जाए 9 तो प्लस 9 प्लस 3। आइए सो सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 और प्लस 1 13 हो जाएगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 माइनस 6 यानी कि जो फाइनली रिजल्ट आया, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया हमारा, जो रिक्वायर्ड जो रिमाइंडर होगा ना, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, 7 आया ना, तो
तो 7 हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने आपको सॉल्व कर दिया सॉल्यूशन मेथड से। साइड रहता हूँ, अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई अब जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 3 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने किया था उसके ऐसा ही है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है और हमें जो है कहा गया क्या कि रिमाइंडर निकालना है व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसा ही है, मैंने कहा आपको कि 3 से लेके 12 तक पूरा क्वेश्चन एक जैसा ही है, बिल्कुल एक ही मेथड पर बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स जो हमें गिवन है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 3। तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालने के लिए जी ऑफ एक्स हमको 0 लेना पड़ता है, तो इसको 0 लेंगे इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और यहाँ से एक्स का मान निकालोगे 3 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ गया 3, ये एक्स का मान आ गया। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने क्या, ये जो स्टेटमेंट है ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखने पर मार्क्स कट जाएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा कि एक्स माइनस थ्री देन क्या हो जाएगा हमारा कि पी ऑफ एक्स मान कितना है, 3 है ना, तो पी ऑफ 3 विल बी द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट डालना वो बहुत जरूरी है, इस स्टेटमेंट पे मार्क्स मिलेगा तो नहीं लिखने पे मार्क्स कट भी जाएगा, तो ये स्टेटमेंट डालना है आप लोगों को। आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है, यही ना कि 2x³ - 7x² + 9x - 30। अब हम लोग को निकालना क्या है, पी ऑफ 3 निकालना है, तो लिखो पी ऑफ 3, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 3 हमें डालना है, तो यानी कि 2 × 3⁻³ - 7 × 3⁻² + 9x की जगह पर डालो 3 और -30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 2 रहने दो, इन 3³ कितना हो जाएगा, तो 27, 3³ = 9 और 9³ = 27, तो 3³ हो गया 27, यानी कि 27, तो ये 27 माइनस 2² बाबू, देखो 7 को 7 रहने दो, इन 3² 2, तो 3² का मतलब हो जाएगा 9, 3³ = 9, ये हो गया 9 प्लस 9³ = 27, 27 और ये हो गया हमारा -13। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 × 2 = 27 × 2 = 54 होता है 54। चलिए उसके बाद 9 × 7 = 63 और यहाँ हो गया हमारा प्लस 27 और -13 है तो -13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस में एक हमारा ये, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को ऐड करके लिख लो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 7 × 4 = 11 के एक हाथ में रहा एक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक हमारा क्या आ रहा है पी ऑफ 3 आ रहा है ना, तो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 × 4 = 11 के एक हाथ में रहा एक, 2 और 5 = 7 + 1 = 8, यानी कि 81 आ गया हमारा, 81 प्लस में और माइनस में देखो कितना आ रहा है, 3 + 3 = 6, तो 6 और ये हो गया हमारा 6 + 1 = 7, तो ये आ गया 7। अब 81 - 6 = 76 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 5, तो यही आ गया हमारा रिमाइंडर जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है। तो देयरफोर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। आई देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि पी ऑफ एक्स हमें इतना दिया गया है और ये जी ऑफ एक्स इतना दिया गया है। फिर से देखो मैंने कहा था पहले क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम है हमारा। तो अब क्या बोल रहा है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को ही हमको यूज करना है और रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया है जब पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से डिवाइड होगा तब। तो अब देखो जी ऑफ एक्स अभी हमें जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स माइनस 2, ये दिया गया ना जी ऑफ एक्स हमें, है ना। चलिए तो अब क्या होता है हमारा कि यहाँ से हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हमको जी ऑफ एक्स को 0 लेना पड़ेगा और एक्स माइनस 2 हमको दिया होता है। यहाँ से एक्स का मान निकालो तो ये 2 इधर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, ये एक्स का मान आ गया।
अब रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या पता है, ये स्टेटमेंट डालना है आपको कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग, कि व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड होगा, ये एक्स माइनस टू से डिवाइड होगा, तो एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, देन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का मान कितना है, टू आया, तो पी ऑफ टू विल बी द रिमाइंडर। बात समझ में आ गई, चलिए तो p ऑफ x कितना दिया गया भाई मेरे, p ऑफ x हमें दिया गया है 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। चलिए तो अब हमको निकालना है p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 पे पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 पे पावर 2, चलिए माइनस 8 इंटू एक्स के जगह पर 2 डालो तो 2 माइनस 2, फर्दर उसको सॉल्व करो तो 3, देखो 2 का पावर 4 होता है आपका 16, 2 4 8 16 16 और 16 3 जा 48, तो एक स्टेप में खा रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा 48 माइनस 2 का पावर 2 होता है 4 और 6 चौके 24, तो यानी कि माइनस 24 और 4 2 जा 8 2 जा 16 आठ 16, तो माइनस 16 और माइनस 2, तो बाकी सारे माइनस वाले टर्म को एक तरफ कर लो, 48 पॉजिटिव में है तो माइनस 24 और माइनस 16, तो 24 और 6 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 2 42 यानी कि माइनस 42 आ गया भैया यहाँ तक का, है ना, तो 48 में से 42 माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6, तो यही हो गया हमारा रिमाइंडर। तो देयर फॉर एफ हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6, ये आ गया 6, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा साइड रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो हमें जो है रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, पी ऑफ एक्स का जो है मान निकालना है, जी ऑफ, जब पी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो देखो जी ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2x माइनस 3। सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे और उसके लिए हमको जी ऑफ एक्स को जीरो लेना पड़ेगा, तो ये जो कि जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस 3 आएगा, तो देखना इस माइनस 3 को इधर भेजा तो 3 आ गया प्लस में, अब ये दोनों आपस में बचा मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर आएगा तो बटा में आएगा तो बाय 2 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3/2, x का मान मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई कि अब जो है हम लोग पहले तो वो स्टेटमेंट डालेंगे कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग कि व्हेन व्हेन p of x is divided by किससे डिवाइड होगा 2x माइनस 3, then क्या होगा हमारा जो x का मान आया है 3 by 2, तो p of 3 by 2 will be the remainder। बस समझ में आ गई, चलिए तो अब हम लोग पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, पहले पी ऑफ एक्स कितना दिया गया है मेरे भाई, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x³ माइनस 9x² प्लस एक्स प्लस 15। चलिए तो 2 के जगह पर 2 रहने दो, एक्स क्यूब है, एक्स के जगह पर हमें, अब यहाँ देखो हम लोग जो निकालेंगे हमें निकालना p of 3 by 2 निकालना है, ठीक है ना, तो p ऑफ 3 बाई 2 निकालेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 बाई 2 डालेंगे, तो 3 बाई 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, 9 है तो 9, x के जगह पे फिर से हम लोग क्या डालेंगे 3 बाई 2, तो 3 बाय 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, प्लस x के जगह पे फिर डालेंगे 3 बाई 2, क्योंकि 3 बाई 2 प्लस 15 है तो प्लस 15, इसको फर्दर सॉल्व करो मेरे भाई, तो सॉल्व करो तो 2 का 2 हो गया हमारा, इंटू 3 का क्यूब होता है 27,
अपॉन 2 का क्यूब होता है 8, ठीक, माइनस 9, तो 9 ही रहने दो, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर भाई होता है आपका 9, तो 9 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो ये हो गया 4। चलिए उसके बाद फर्दर यहाँ सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 और प्लस 15 है तो प्लस 15। अब एक काम करते हैं, जो जो मल्टीप्लाई में है सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देखो ये कटेगा, 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए बाकी अब जैसा अभी है सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 27/4, यानी कि मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, तो पी ऑफ निकाल रहे थे हम लोग 3/2, दिस इन प्लस का साइन देना नहीं बनना है ना, तो चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 27/4, तो 27/4 माइनस 81/4, 81, तो 81/4, चलिए प्लस 3/2, तो प्लस 3/2 प्लस 15 है तो 15, सबका एलसीएम ले लेते हो आपसे, तो सबका एलसीएम तो जो है ना भाई 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 27, यहाँ हो गया माइनस 81, और जब ये 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 2, और 2 थी 6, तो प्लस हो गया 6, अब प्लस है 15 को जब 4 से जब जो यहाँ तो बाय में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को 15 से तो 15 चौके 60, 15 4 60, तो आ गया 60। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर डियर स्टूडेंट्स, तो 60 प्लस 6 और प्लस 27, तो 66 प्लस 27 कर दो, 7 6 13 3, हाथ में रहा 1 6 2 8 1 9 93, तो ये आ गया आपका 93 माइनस 81 अपॉन हो जाएगा 4। तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2 और 9 में से गया तो 12 अपॉन 4, काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3, यानी कि पी ऑफ 3/2 जो है हमारा 3 आ गया, तो यही रिमाइंडर हो गया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़ा सा साइड रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसी एक्सरसाइज का, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम वही बात है, अब वही कहा गया है कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमें जो है रिमाइंडर निकालना है, ये पी ऑफ एक्स जो है जब आपका जी ऑफ एक्स से डिवाइड होता है, तो आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वही जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू, देखो जी ऑफ एक्स को हम लोग 0 लेके चलेंगे, क्या लेंगे 0 लेंगे और x का मान निकालेंगे, तो x प्लस 1, यहाँ से x का मान निकालोगे तो x आपका ये 1 इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, x का मान माइनस में आ रहा है इस बार, तो अब फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, कह रहे थे हम लोग कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g of x क्या होगा अभी x प्लस 1, तो डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, देन तो हमारा क्या हो जाएगा, देन व्हाट जो हमारा x का मान आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, तो यानी कि p ऑफ माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर। चलिए तो अब हमें पी ऑफ एक्स क्या गिवन है बाबू, पी ऑफ एक्स हमारा गिवन है एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2x² माइनस 8x-1, ये हमारा गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, तो दिस इंप्लाइज पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 1, और यहाँ पर भी माइनस 1 है तो माइनस 1 आई, तो बेस है हमारा नेगेटिव में पावर है, और तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा, तो 1 का पावर 3 1 ही होता है तो माइनस 1 आएगा, तो अब यहाँ देखो ये आपका आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि आपका बेस नेगेटिव में है पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, 1 का पावर 2 1 ही होगा, तो 1, और यहाँ पर देखो यहाँ माइनस है हमारा, तो ये माइनस और प्लस, ये क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, तो प्लस और माइनस, तो क्या हो गया माइनस 2 1 2, तो ये गया 2, ठीक है,
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 हो जाएगा और माइनस 1। अब देखो माइनस वाला टर्म को एक तरफ कर लो और 8 को एक तरफ कर लो, तो 8 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, तो देयर फोर पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 4। तो हैंस हैंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7, मैं थोड़ा सा साइड हट देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 7? बहुत ही इजी था डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि वन शॉट वीडियो ये जो पूरा है तो भी ये वन शॉट वीडियो में ही डाल रहा हूं, और इंडिविजुअल भी हर एक क्वेश्चन डाला हुआ है। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी किसी एक क्वेश्चन में डाउट है तो इंडिविजुअल भी वो एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ही उसका जो है सेम प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन डाला हुआ है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखते हैं 8 में क्या बोल रहा है। वही रिमाइंडर हमें निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, ये पी ऑफ एक्स जो है जब आपका जी ऑफ एक्स से डिवाइड होता है। तो आइए, तो हमें जो है जी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, वो दिया गया है एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो जी ऑफ एक्स को जीरो लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू, ये टू इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस टू, एक्स का मान आ गया। अब ये स्टेटमेंट डालना बहुत जरूरी है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, है ना, एक्स प्लस टू, देन पी ऑफ टू का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, माइनस टू है, P of minus 2 will be the remainder, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस कि हमें P of x जो दिया हुआ है, this implies P of x क्या गिवन है भाई हमारा, वो है 2x cube plus x square minus 15x और minus 12, यही गिवन है ना। तो 2 की जगह पर 2 रहने दो, x क्यूब है, x का के जगह पर कितना है, माइनस 2 है ना, हम लोग निकाल रहे हैं पी ऑफ माइनस 2, पी ऑफ माइनस 2 निकालो, तो x के जगह पर माइनस 2 डालो, माइनस 2 का प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 15 इंटू माइनस 2, एक्स की जगह माइनस 2 और माइनस 12, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की जगह 2 रहने दो इंटू, तो आपका बेस जो है मेरे भाई वो माइनस में है, पावर है ऑड, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, तो 2 का पावर 3 होता है माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 आएगा, ठीक है ना। माइनस में क्यों आया, क्योंकि पावर ऑड है, अब बेस नेगेटिव में हमारा, यहाँ पे पावर इवन है बेस नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो ये आ गया 4 माइनस, और देखो माइनस माइनस प्लस, तो 15 टू 30, ये आ गया 30 प्लस में, और माइनस 12 है तो माइनस 12। चलिए तो यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा 8 दुनी 16 माइनस 16 और 30 प्लस 4 34, तो प्लस 34 और माइनस 12। अब एक काम करो, इन सबको ऐड कर दो माइनस माइनस वाले को, 34 जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पी ऑफ माइनस 2 निकाल रहे थे ना, इज इक्वल टू 34 प्लस में है तो 34 को पहले लिख दिया। अब यहाँ देखो माइनस 16 और माइनस 12, तो 16 और 12 हो जाएगा 28, तो माइनस 28, तो इसको जो माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा रिजल्ट, तो यानी कि पी ऑफ माइनस 2 जो है वो 6 आ गया। तो देयरफोर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी लग रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसी सेक्शन का, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो वही कहना कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, जब आपका पी एक्स जो है वो जी एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया। तो अब यहाँ देखो फिर से वही काम करेंगे, हमें जो जी एक्स दिया गया है वो दिया गया है 3x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो जी एक्स को 0 ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 3x प्लस 2,
चलिए तो अब यहाँ से x का मान निकालो, तो 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा माइनस 2, और 3 को जब इधर भेजेंगे तो बाय में आएगा तो बाय 3, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन 3, ये x का मान आ गया। अब हमें क्या करना क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, ये स्टेटमेंट डालना जरूरी है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन P of x is divided by किससे डिवाइड कर रहे हैं हम अपन, तो यानी कि x 3x plus 2 then क्या हो जाएगा हमारा कि P जो x का मान आया है P of minus 2 by 3 will be the remainder, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो हमें पी ऑफ एक्स कितना दिया गया भाई, दिस इंप्लाइज पी ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो गिवन है 6x³ + 13x² + 3। तो चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पी ऑफ माइनस 2/3, ये निकालेंगे इज इक्वल टू 6, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको माइनस 2/3 डालना है, तो यहाँ x की जगह पर डालेंगे माइनस 2/3 का होल क्यूब प्लस फिर यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 13 × चलिए फिर से वही डालेंगे हम, तो माइनस 2/3 का स्क्वायर एंड प्लस 3। चलिए इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा क्या कि पी ऑफ माइनस 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 6, तो बेस नेगेटिव में है पावर ऑड है, तो यानी कि फुल कंप्लीट जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, बता चुका हूँ आपको पहले भी, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 3 का पावर 3 होता है 27, तो ये हो जाएगा 27। चलिए प्लस होता प्लस डाल दीजिए, अब यहाँ पे वही काम करेंगे 13 × 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे इवन है पावर, इवन है नेगेटिव है यहाँ पे, तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, तो 4 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 आ गया प्लस 3। चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज पी ऑफ माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये कट रहा है तो कट रहा है तो काटो, 3 से कटेगा तो 3 × 6 3 × 9 = 27, तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 16/9, तो यहाँ आ गया माइनस 16/9। चलिए यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो प्लस डाल दो, और 13 × 4 = 52, तो 52/9, उसके बाद फिर प्लस है एंड यहाँ है हमारा 3, तो 3 डाल दो, अब सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सबका आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 16 + 52, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय 1 है, 1 × 9 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, इसको जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो 27 में से 16 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 + 53 करेंगे 52 करेंगे तो यानी कि 63 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63/9, तो ये कटेगा कटेगा तो काट दो 7 टाइम्स में, तो 7 आ गया हमारा, यानी कि पी ऑफ माइनस 2/3 का जो रिजल्ट है वो 7 आ रहा है, तो देयरफोर क्या हो जाएगा हमारा जो रिमाइंडर होगा, देयरफोर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7 हो गया, तो यही हो गया हमारा रिजल्ट। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है मैं साइड रहता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि हमें रिमाइंडर निकालना है, फिर से रिमाइंडर हमको सोचे, ठीक है ना। तो देखो इस बार जो जी ऑफ एक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपको, तो जी ऑफ एक्स जो है हमें दे दिया गया है 1 − 3/2 x, हमें x का मान पहले निकालना, तो जब x का मान निकालेंगे तो जी ऑफ एक्स को 0 लेंगे, 0 = 1 − 3/2 x। अब यहाँ से देखो x का मान दो तरीके से निकाल सकते हो, पहला तरीका तो ये कि आप इन दोनों को का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो और उसके बाद इधर भेज दो, यानी तो ये तो पहला तरीका, दूसरा तरीका है कि आप अभी ही इसको भेज दो, तो ये इजी तरीका है, तो मैं इसी को अपनाता हूँ, तो ये 1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा -1, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में विथ माइनस साइन, इसको भेजो इस पार, तो ये जब इस पार आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये भी हमारा आएगा, ठीक है इज इक्वल टू हो गया एक्स। सिंपली था बाबू, मैंने आपको सिंपली सॉल्व करके दिखाया है कि 1 को पहले इधर भेजा, 1 प्लस में है इधर आया तो माइनस में आ गया,
फिर इस पूरे टर्म को मैंने इस पार भेजा, दोनों मल्टीप्लाई में इसको भेजूंगा मैं इस पार, तो माइनस के साइन के साथ में इस पार आ गया हमारा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ गया। अब देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, यानी कि फाइनली x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 2 × 2 = 3, ये आ गया x का वैल्यू पॉजिटिव में। आप निकालना, आपका भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब जो है हमें हमने मालूम है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 − 3/2 देन क्या हो जाएगा, उसके हमारा जो एक्स का मान आया तो पी ऑफ 2/3 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो अब हमें पी ऑफ एक्स क्या दिया गया भैया, तो पी ऑफ एक्स जो है हमें वो दिया गया है क्या, एक्स क्यूब माइनस 6x² + 2x − 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमको ये निकालना, तो अब चलिए हम लोग निकालेंगे क्या, पी ऑफ 2/3, तो पी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमको 2/3, 2/3 का होल क्यूब, 2/3 का होल क्यूब, ठीक। फिर माइनस में है 6, तो चलिए माइनस 6 2/3 का होल स्क्वायर, चलिए उसके बाद फिर क्या है हमारा, तो फिर यहाँ पर है 2 × x, तो यानी कि प्लस में है हमारा, तो 2x का मान है हमारा 2/3, चलिए ठीक है, और माइनस 4 है तो 4 यहाँ डाल देता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 अपॉन 3 का क्यूब होता है 27 माइनस, अब यहाँ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 6 को 6 रहने, तो 2 का जो है स्क्वायर जो है भाई वो हो जाता है हमारा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 जो है हमारा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 9 आ गया, ठीक है। चलिए प्लस 2 × 2 = 4, 4/3, तो 4/3, और ये हो गया माइनस 4, तो देखो ये कटेगा 3 से, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो आ गया हमारा 8/27 −2 × 4, 4 × 8, 8/3 + 4/3 − 4। चलिए तो सबका जो है एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 27, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8 माइनस यहाँ देखो 3 × 9 = 27, तो 9 8 72। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो प्लस है तो प्लस 3 × 9 = 9 9 = 36 आ गया, फिर माइनस में आएगा माइनस, अब क्या हो जाएगा हमारा कि 4 है ना माइनस, तो यहाँ पे बाय में 1 है तो 27 × 4 कर लेंगे अपन, है ना, तो 27 × 4 करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 7 × 28 = 8, हाथ में रहा 2 और 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, यानी कि 108 आ गया हमारा। चलिए तो अब जो है फाइनली जो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस में है इसको ऐड कर दो, 36 और 6 = 42 आ गया 44, और माइनस तो 72 और 108 दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि 180 आ जाएगा, तो 180/27। चलिए इन दोनों को जो है अपन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 10 में से 4 जाएगा, तो देखो रिजल्ट माइनस में आने वाला क्योंकि ये टर्म बड़ा है हमारा, तो 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, ठीक, यहाँ हो गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ 136/27 माइनस में ही आएगा हमारा, तो यही हो गया हमारा रिमाइंडर। तो देयरफोर द रिमाइंडर, अब रिक्वायर्ड रिमाइंडर लिखना, इज इक्वल टू −136/27, यही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, मैं तो छाड़ रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो 11 को देखो क्या करना है, सेम वही काम है हमारा 11 में भी, ठीक है ना, रिमाइंडर निकालने के लिए कहा गया है। तो जी ऑफ एक्स जो है इस बार हमें जो दिया गया है वो एक्स प्लस 1/2 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग फिर से एक्स का मान निकालेंगे, तो हमें मालूम है जी ऑफ एक्स को 0 लेते हैं, तो एक्स प्लस 1/2, ठीक है। चलिए एक्स का जो मान निकालेंगे हम लोग, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये 1/2 इधर आएगा तो माइनस में, तो −1/2 हो गया हमारा एक्स का मान। अब देखो हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या आनते हैं, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, नो दैट व्हेन P
पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन बाय टू, देन पी ऑफ कितना है हमारा माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू विल बी द रिमाइंडर। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई, तो पी ऑफ एक्स कितना दिया गया हमें, तो पी ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है हमें कितना, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री। चलिए तो हमें निकालना है पी ऑफ माइनस वन बाय टू, पी ऑफ माइनस वन बाय टू निकालेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन बाय टू डालना है, माइनस वन बाय टू, टू इंटू माइनस वन बाय टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू टू वन माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। चलिए माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाय टू, चलिए उसके बाद माइनस थ्री, तो माइनस थ्री, आइए उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो पी ऑफ माइनस वन बाय टू का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो बेस नेगेटिव है पावर ऑड है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो टू इंटू माइनस वन बाय, देखो वन का क्यूब तो वन ही होगा और टू का क्यूब होता है एट, तो ये हो गया एट। चलिए उसके बाद फिर प्लस है हमारा, तो प्लस थ्री है तो थ्री, फिर अब देखो यहाँ पर है पावर हमारा इवन बेस नेगेटिव में, तो टोटल रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो इंटू वन बाय टू का पावर टू होता है फोर, तो ये फोर आ गया हमारा। चलिए फिर उसके बाद माइनस इलेवन, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इलेवन बन जाए इलेवन, इलेवन बाई टू, तो प्लस इलेवन बाई टू आ गया हमारा, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या माइनस थ्री है तो माइनस थ्री। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से पहले देखो ये कट रहा है तो काट लेते हैं, ये जगह फोर, तो अब सबका एलसीएम फोर आ जाएगा, सबका एलसीएम आ गया फोर, तो यहाँ देखो यहाँ बचा माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा थ्री में थ्री, यहाँ पर थ्री है तो प्लस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो है टू टू सा फोर होता है यानी कि टू यानी कि ट्वेंटी टू आ जाएगा प्लस ट्वेंटी टू, और यहाँ आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पर बाय में वन है तो वन को फोर से इंटू फोर, फोर थ्री ट्वेल्व, तो ये आ गया ट्वेल्व। और फाइनली जो है आप इसको जोड़ घटा के लिख लो, तो बाईस में से बारह जाएगा तो जाए बचेगा हमारा टेन, ट्वेंटी टू माइनस ट्वेल्व करो तो टेन बचेगा, टेन और प्लस थ्री थर्टीन, थर्टीन में से वन माइनस हो जाएगा तो बचेगा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व अपॉन फोर आ जाएगा, और काटेंगे तो आंसर रिजल्ट जो है हमारा यानी कि पी ऑफ माइनस वन बाई टू का जो रिजल्ट है वो हमारा आ रहा है थ्री, इसको काटने पे थ्री आ जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट हमारा आ चुका है, तो देयर फोर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू थ्री हो गया हमारा। तो यही था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर इलेवन का, तो अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कैसा लग रहा है हमारा डियर वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है डियर, आइए तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करते हैं। अब फिर से वही रिमाइंडर हमें निकालने के लिए कहा गया है, इस बार जी ऑफ एक्स जो है आपको माइनस ए दिया गया, तो देखिए जो जी ऑफ एक्स जो आपको एक्स माइनस ए दिया गया है, यहाँ से एक्स का मान निकालो, तो जी ऑफ एक्स हम लोग जीरो लेंगे, एक्स निकालेंगे हमें पता है, तो एक्स माइनस ए, यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, ये एक्स का मान है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या पता है कि बाय रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, क्या पता है हमें कि व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स माइनस ए, जी ऑफ एक्स ये है ना, देन तब क्या हो जाएगा हमारा, देन पी ऑफ एक्स हमारा कितना ए आया ना, तो पी ऑफ ए विल बी द रिमाइंडर। चलिए तो पी ऑफ एक्स कितना दिया गया मेरे भाई, तो पी ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, तो हमें निकालना क्या है पी ऑफ ए, तो देयर फोर पी ऑफ ए इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए डालो, ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए। चलिए तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा मेरे भाई, देखो ये ए क्यूब और यहाँ भी हो गया हमारा ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब, ये भी हो गया हमारा ए क्यूब प्लस सिक्स इंटू ए यानी कि सिक्स ए माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये ए क्यूब से ये ए क्यूब कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया हमारा, आपका आंसर तो आ चुका है, तो पी ऑफ ए का जो वैल्यू है हमारा वो क्या आ जाएगा कि सिक्स ए माइनस ए यानी कि फाइव ए,
तो ये आपको आ गया 5a. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a हो गया हमारा, यही हो गया आंसर. तो कितना इजी था, कितना सिंपल था रिएक्शन, है ना. उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है रिएक्शन, आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं. देखते हैं 13 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है. इजी क्वेश्चन है, देखो बोला कि द पॉलीनोमियल्स इतना एंड इतना, दो पॉलीनोमियल्स दिया गया, एक पॉलीनोमियल दिया गया, एक पॉलीनोमियल दिया गया. व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, जब इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जाता है तो बोला कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर दोनों किस्म सेम आएगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हमको ए का वैल्यू निकालने को बोला है. रिमाइंडर दोनों किस्म सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आएगा तो यानी कि रिमाइंडर इक्वल होगा ना हमारा, दोनों से रिमाइंडर इक्वल होगा. तो हम लोग दोनों का रिमाइंडर निकालते हैं, दोनों का रिमाइंडर निकालते हैं कितना आता है. तो देखिए चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको. तो हम इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन हम पहले वाले पॉलीनोमियल को मान लेते हैं पी ऑफ एक्स. तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2. इसको मैंने मान लिया पी ऑफ एक्स. एंड इसको मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स. तो इसको मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए. और इसको मैं मान लेता हूँ जो हमें जिसे डिवाइड करना है उसको जी ऑफ एक्स मान लेता हूँ. एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, है ना. यहाँ पे हमें x माइनस 2 दिया गया है तो x माइनस 2 मान लिया. तो अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं. तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है x माइनस 2, यहाँ से x का मान निकालो. तो दिस इम्प्लाइज इसको 0 लेंगे, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा, जब 2 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा. तो x का मान आ गया 2. अब देखो यही जो है जी ऑफ एक्स जो है इससे इसको भी डिवाइड किया जा रहा है और इसी से इसको डिवाइड किया जा रहा है. तो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद तो रिमाइंडर हमें आता है. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम लोग, कि व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, कितना से डिवाइड किया जा रहा है हमारा, x माइनस 2. तो x माइनस 2 से डिवाइड किया तो देन p ऑफ 2 है ना, तो p ऑफ 2 विल बी द रिमाइंडर. ठीक है चल, तो अब हम लोग निकालते हैं p ऑफ x. चल तो p ऑफ x हमें जो दिया गया है, p ऑफ x कितना दिया गया मेरे भाई, तो दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस 2, इतने दिए गए हैं. तो हमें निकालना है पी ऑफ 2. दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 2 बैठाओ. तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2. तो चलिए पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 टू जो 16, तो ये आ गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2a, 2 इंटू a यानी कि 2a हो जाएगा, 2a. उसके यहाँ कितना आ रहा है हमारा प्लस 2. इन सबको सॉल्व करेंगे हम लोग तो दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, तो 22 माइनस 2a, ये आ गया हमारा रिमाइंडर. हमें मालूम है कि ये रिमाइंडर आता है ऐसे, तो ये रिमाइंडर आया हमारा, ठीक है ना, ये रिमाइंडर आया. और जो दूसरा भी निकालेंगे तो दूसरा भी हमारा रिमाइंडर निकलेगा. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ. नाउ अगेन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इससे रिमाइंडर निकाल रहे हैं. तो वही बात ही कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे पी ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स को जब हम लोग से डिवाइड करेंगे तो पी ऑफ 2 जो है हमारा वो रिमाइंडर निकलेगा. तो निकालिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालेंगे, तो यानी कि एफ ऑफ 2 जो है हमारा, एफ ऑफ एक्स पहले देखो कितना दिया हुआ, दिया गया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, ये दिया गया है. तो अब हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 2. f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 का क्यूब 2 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए. तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 टू 16, तो ये 16 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 थ्री 12, तो ये 12 हो गया, और 3 टू 6 तो माइनस 6 हो गया और प्लस ए हो गया. तो यानी कि यहाँ से जो हमारा f ऑफ 2 आएगा, f ऑफ 2 कितना आ रहा है वो आ जाएगा हमारा 16, और यहाँ पर 16 में से 12 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में और 4 पॉजिटिव में और 6 नेगेटिव में, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 प्लस ए. तो 12 6 18 माइनस में है,
16 प्लस में, तो इससे आ जाएगा माइनस टू और यहाँ पे ए है। तो अब देखो ये आया हमारा, ये भी रिमाइंडर आया, इसको क्वेश्चन टू मानता हूँ, ये भी हमारा रिमाइंडर है। और क्वेश्चन में कहा गया कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर सेम होगा, ठीक है। पी ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो जाएगा, रिमाइंडर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ टू हो जाएगा। तो पी ऑफ टू कितना आया हमारा, 22 माइनस 2 है, ये आ गया हमारा 22 माइनस 2 ए। और एफ ऑफ टू आया है हमारा भाई -2 + a। चलिए इस -2 को उधर भेजो और इस 2 को इधर बुला लो, तो 22 और इस 2 इधर आएगा तो प्लस में आएगा +2। ये -2 को उधर भेजो तो वो प्लस में जाएगा, तो a प्लस 2a। तो 22 तो 24, तो 24 इज इक्वल टू 3a। a का मान निकालो, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 24/3, काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था a का मान, तो जो हम लोगों ने निकाल दिया। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है डियर्स, आइए अब जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं, द पॉलीनोमियल p ऑफ x इतना व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो बनाया था उसमें रिमाइंडर सेम था, मगर अब जो रिमाइंडर है एक बार में जब वो इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और जब x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। और आगे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखो a और b दिया हुआ है, तो a एंड b का वैल्यू निकालने लिखा रहा है। और बोला गया है हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब ये p ऑफ x x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो फिर उस केस में भी हमें रिमाइंडर निकालने के लिए आ गया। इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, तो पहले जो है ना हम लोग जो है इसको इस p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो नाउ व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो देन p ऑफ 1 इज रिमाइंडर। p ऑफ 1 क्या होगा हमारा, रिमाइंडर होगा। बस में आ रही है, क्योंकि वहां से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन में लगा निकाल चुका है निकाला है, तो जो p ऑफ 1 जो है हमारा 1 रिमाइंडर आएगा। तो अब यहाँ देखो, तो देयरफॉर p ऑफ x कितना दिया गया बाबू हमें, ये दिया गया है x पे पावर 4 माइनस 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो हम लोग निकाल रहे हैं p ऑफ 1, हम जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 डालना है, तो 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस बी। चलो ये आ गया हमारा p ऑफ 1। अब एक चीज़ देखो कि p ऑफ 1 बोले तो यानी कि रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर हमें ये दिया गया है 5। बात समझ आ रही है, पहले वाले का रिमाइंडर 5 दिया गया था, यानी कि इसके जगह पर आप 5 आराम से लिख सकते हो, क्योंकि यही रिमाइंडर है हमारा 5। तो ये देखो 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, माइनस 2 का पावर 1 का पावर 3 यानी कि 1 होगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 आ गया। यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा तो प्लस 3, और यहाँ जाएगा हमारा 1 इंटू यानी कि माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ देखो 3 और 1 ये 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा हमारा। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 2 माइनस ए प्लस बी। अगर 2 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ये एक हमारा इक्वेशन आ रहा है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब फर्दर कह रहा है कि जब वो x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 19 आएगा। बात समझ में आ रही है, तो चलिए, तो अब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ना मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना, कि व्हेन p ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस 1 देन। तो यहाँ से हमारा जो है ना, तो मैं लिख देता हूँ कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड x प्लस 1 देन p ऑफ माइनस 1, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो p ऑफ माइनस 1 इज रिमाइंडर। बस समझ में आ रही है, तो चलिए अब हमें दिया क्या गया है p ऑफ x, तो p ऑफ x जो है मेरे भाई वो हमको दे दिया गया है a x पे पावर 4 ठीक माइनस 2x क्यूब ठीक है प्लस 3x स्क्वायर और माइनस ए एक्स प्लस बी। चलिए दिया गया है, अब जो है हमें अब थोड़ा समझना, हमें निकालना होगा p ऑफ माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1
दिस इंप्लाइज पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस वन का पावर फोर, चलो टू यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस वन का क्यूब प्लस ये हो गया थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस वन, है ना, और प्लस भी है तो प्लस भी। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोग जो है पी ऑफ माइनस वन निकालते, तो पी ऑफ वन माइनस वन बोले तो ये रिमाइंडर होगा हमारा, और रिमाइंडर जो है सेकेंड केस में 19 दिया गया, तो इसके जगह पर मैं 19 आराम से लिख सकता हूँ। तो चलो मैं लिख रहा हूँ 19, तो ये हो गया हमारा क्या कि अभी मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, जगह हमारे पास में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 19 इज इक्वल टू वन का माइनस वन का पावर फोर है, तो ये वन ही हो जाएगा हमारा, है ना, पावर इवन है, तो पावर इवन है तो पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस अब ये आएगा हमारा माइनस वन, तो माइनस टू देखो माइनस टू और ये आ जाएगा हमारा माइनस वन प्लस, तो ये तो मुझे तो हो गया मेरा थ्री और ये आ जाएगा हमारा प्लस वन। क्यों आ गया प्लस वन हमारा, क्योंकि पावर इवन है हमारा, तो ये आ गया प्लस वन। चलो उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए प्लस बी, फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज यानी कि 19 इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया हमारा वन वन, और देखो माइनस माइनस प्लस तो प्लस टू हो जाएगा, तो प्लस टू ओके। अब यहाँ देखो ये भी हमारा प्लस में, तो थ्री हो जाए थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस ए प्लस बी, ये इतना आ रहा है, तो इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो 19 इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, सिक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज सिक्स जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, आएगा ना, तो 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 13, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको इक्वेशन टू मान लो आप। अब देखो इक्वेशन वन जो हमारा निकला था वो ये निकला था, इक्वेशन टू ये निकला था, हमें ए बी का मान निकालना है, तो इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करेंगे यानी कि हम इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर देंगे, तो ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू का ऐड करते हैं, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा थ्री इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, और यहाँ है हमारा 13 इज इक्वल टू क्या है, तो ये है ए प्लस बी, तो दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 13 प्लस थ्री यानी कि ये हो जाएगा हमारा 16, 16 इज इक्वल टू बी प्लस बी टू बी, यानी कि टू इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आ गया 16 अपॉन टू, काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू आ गया 8, बी का मान आ गया 8। अब बी का मान जो है किसी या तो इक्वेशन टू में या तो इक्वेशन वन में पुट कर दो, चलो मैं टू में पुट करता हूँ, किसी भी पुट करो आंसर आ जाएगा, तो ऑन पुटिंग बी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं, तो टू है हमारा क्या 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी के जगह पर ए डालो, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस 8, 8 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 13 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा, ठीक है, तो a का मान निकल गया। ये तो था हमारा यहाँ तक का, अब a और b तो हमें निकल गया, अब हमें फर्दर कहा गया कि क्या कीजिए कि x माइनस टू से जब ये डिवाइड होगा हमारा तब जो है क्या रिमाइंडर आएगा। चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, नाउ नाउ यहाँ से x इज इक्वल टू नाउ व्हेन p of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू देन p ऑफ टू, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो टू निकलेगा, है ना, तो p ऑफ टू जो है हमारा विल बी द रिमाइंडर। चलिए तो अब क्या है हमारा जो इक्वेशन दिया गया है कि p ऑफ x जो हमें दिया गया है वो दिया गया है x पे पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखो फिर इसको लिखते हैं हम लोग x पे पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब है ना x क्यूब ठीक प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू हमें आ गया है, ए का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो माइनस ए है तो यानी कि माइनस 5 एक्स प्लस बी का वैल्यू आया है 8, तो 8 डाल दिया, जो जो वैल्यू आया था वो डाल दिया। अब जो हम लोग निकालते हैं क्या हम लोग निकालते हैं पी ऑफ एक्स था, अब हम लोग निकालेंगे पी ऑफ टू, तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर टू डालू, तो टू का पावर 4 माइनस टू इंटू टू क्यूब टू क्यूब ठीक है प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू टू प्लस 8। तो चलिए तो टू का पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा,
और 2 का पावर 3 यानी कि 8, और 8 2 जो 16, तो माइनस 16, ठीक है, प्लस 2 का पावर 4, 2 यानी कि 4, 4 थी 12, तो ये 12 आ गया, माइनस 5 टू जो 10, तो ये 10 आ गया, प्लस 8, तो ये माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल हो गया, तो 12 प्लस 8 20, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आ गया, यानी कि p ऑफ 2 जो आएगा हमारा वो 10 आएगा, तो यही हमारा नया रिमाइंडर आ गया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो ले लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, है ना, थोड़ा सा इजी ही था, बट वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड था, हल्का सा जो है वो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ा था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्या कह रहा है, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें इतना दिया गया है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया गया है, तो बोल रहे शो डेट पी ऑफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एक्स, बोल रहे जो पी ऑफ एक्स है ना वो जी ऑफ एक्स का मल्टीपल है, ये बताना। मल्टीपल मीन्स दैट उसके मल्टीप्लाई में वो आएगा, मीन्स दैट जैसे कि अगर मैं बोलूँगी एक नंबर है 10 और एक है नंबर 2, तो कहा जा रहा है कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 10 आएगा हमारा। और अगर मैं फिर ना 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, 10 फाइव ज़ा 2 फाइव ज़ा 10, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये इसका मल्टीपल तब होगा जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो सेम केस हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स को से जो है डिवाइड करेंगे, जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। रिमाइंडर 0 आया तो बोलेंगे मल्टीपल है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं। आइए देखते हैं, तो सॉल्यूशन बाय रिमाइंडर थ्योरम, वी नो दैट क्या कहते हैं हम लोग कि when p of x is divided by x minus 2, then p of 2, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 आएगा हमारा, तो p of 2 will be the remainder। पी ऑफ टू कैसे आया मेरे भाई, देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इससे पहले आप ये वाला जरूर लिख देना कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया गया है एक्स माइनस टू, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, तो निकालोगे तो क्या करोगे, जी ऑफ एक्स को जीरो लेना पड़ता है, जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, टू को इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टू, तो यही एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, तो जो वैल्यू एक्स का आता है वही हम लोग पी ऑफ इतना लेंगे तो उससे हमारा रिमाइंडर आता है। तो हम लोग रिमाइंडर निकाल के चेक करेंगे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नाउ पी ऑफ एक्स जो है हमें वो क्या गिवेन है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। चलिए देखते हैं एक्स के अब हमको निकालना क्या होगा, पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 निकाली, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 डालेंगे, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 20, तो होगी 20, 4 दूनी 8, तो प्लस 8 और माइनस 3, तो कितना आ रहा है रिजल्ट, 8 प्लस 8 16, तो 16 और यहाँ माइनस 20 एंड माइनस 3 मीन्स दैट माइनस 23, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है, 16 6 22 मतलब कि माइनस 7 आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा माइनस 7 आ रहा है, 0 नहीं है। तो यहाँ लिखना है कि आपको हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore g of x is not, or say p of x is not multiple of g of x, बस यही हमें बताना था, ये हमारा हो गया। तो मैं थोड़ा सा सड़ाता हूँ, आपके पास का स्क्रीन शॉट ले लूँ, ठीक है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये समझ में आ गया होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जो बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। आइए तो डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स की हर एक क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअल भी दिखाया करवाया है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक करना वहाँ मिल जाएगा। तो आइए क्या बोल रहा है कि इफ पी ऑफ एक्स बोल रहा है इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5
एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे इतना दे दिया गया है, तो शो डैट जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो बोला कि जो जी ऑफ एक्स है ना वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा, ये हमें बताने के लिए कह रहा है। तो ईजी है डेट, बहुत ही ईजी सिंपल है। देखो फैक्टर नहीं होगा इट मीन्स डैट जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स को नहीं काटेगा कम्प्लीटली। मतलब कि अगर जैसे कि ही मैंने पहले जो पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि 10 है और 2 है, तो 2 जो है ना वो 10 का फैक्टर है, यानी कि 2 से जो है ना हम 10 कट जाएगा एक्जैक्टली। मगर मैं बोलूँगा 3 है, अगर 3 है तो अब देखो 3 से डिवाइड करोगे 10 को तो 3 3 9, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसीलिए जो है 3 जो है ना वो फैक्टर नहीं है 10 का। फैक्टर होने का मतलब है कि वो कम्प्लीटली काट देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, बस समझ रही ना। तो हमको रिमाइंडर ही निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको जी ऑफ एक्स से जो है हम लोग जी ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है कि कितना दिया गया है 2x + 1 दिया गया। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो इसके लिए जी ऑफ एक्स हम लोग 0 रहते हैं और 2x + 1, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और 2 जब इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो -1/2 आ गया है हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि ऑन वी नो दैट व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय कितना 2x + 1 देन पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 विल बी द रिमाइंडर। चलिए तो अब थोड़ा समझो इस बात को कि हमें पी ऑफ एक्स कितना दिया गया मेरे भाई, तो पी ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 2x³ - 11x² - 4x + 5, यही हमें दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर है ना ये जो है -1 है कि हम लोग को निकालना होगा पी ऑफ -1/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/2 डाल देंगे, तो 2 × -1/2 का होल क्यूब -11x, x के जगह पर फिर से वही डालो कि -1/2 का होल का स्क्वायर -4 × -1/2 + 5। आइए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा सोचो कि देखो 2 तो 2 रहे, तो पी ऑफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग -1/2 निकाल रहे हैं इज इक्वल टू, तो 2 को तो 2 रहने दो, और यहाँ देखो बेस हमारा नेगेटिव में है, पावर ऑड है, तो ये मैंने बार बार अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बेस नेगेटिव होगा पावर ऑड होगा, तो रिजल्ट जो पूरा आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि -1/8 हमारा आ जाएगा नेगेटिव में रिजल्ट है। -11 है, तो अब देखो ये पूरा रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पावर इवन है और बेस नेगेटिव है, तो ये पूरा रिजल्ट हमारा इवन आएगा, सो ये पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा हमारा। तो -11 और इनटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा। चलिए सिमिलरली हाँ देखो -+ तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो +4 × 1/2। चलिए उसके बाद और क्या है, +5 है तो +5 लिख दो। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 4 हो जाएगा, और ये तो नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 2 से तो ऊपर 2 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनली हमारा पी ऑफ -1/2 आ रहा है वो आएगा -1/4, उसके -11 तो 11/4, ये हो जाएगा +2, ओके, और ये हो जाएगा +5। चलिए अब एक काम करो, फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, पी ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि एक सब का एलसीएम ले लो, तो अच्छा पहले एक हैंड और ले दूँ, या फिर याद हो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ, तो 7 हो गया हमारा। अब सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, तो सारे का एलसीएम आ गया 4। चलिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ तो हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -11, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 से करेंगे तो 4 × 4 = 28, तो +28, यानी कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो 28, और यहाँ हो गया -12 + 28/4 आ रहा है। तो फर्दर और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 28 में से 12 माइनस कर दो तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ हो गया 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 16/4 आ जाएगा ना, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, काटेंगे तो 4 4 = 16, यानी कि 4 आ रहा है, यानी कि
पी ऑफ माइनस वन बाय टू का जो वैल्यू है वो 4 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बस लिख दो कि हेयर रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है, बात समझ में आ गई। यही हमें निकालने के लिए बोला था, दिखाने के लिए कहा था क्वेश्चन नंबर 16 में। मैं थोड़ा सा साठा रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में वीडियो बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वन शॉट वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2C किया था। अब आगे हम लोग जो है 2D करेंगे, पहले एग्जाम्पल करेंगे वन शॉट में, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। और मैं बता दूं कि इंडिविजुअल भी हर एक क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप चाहो तो इंडिविजुअल भी अगर किसी एक क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।